तो आज है कटाई का दूसरा दिन। ये भैया हो नहाए हुए हैं अभी ओल पर लगना में। बहुत विचार विमर्श चल रहा है, शायद है कि 2-1 घंटा लग जाएगा ओल पर लगना में इनके, कि लग जाएगा। ये मूंग लगा हुआ है, एक हिस्सा इनने काट दिया है इधर का खेत में, और आज के दिन में हमारी थोड़ी सी दवाई जो रही थी वो वाली हम डाल देंगे। और मैं आपको कटे हुए हिस्से की पोजीशन बताता हूँ। इस प्रकार का मूंग है, ये कल का कटा हुआ है, तो ये आज भी घाम खाएगा और कल भी घाम खाएगा, उसके बाद ये आगे प्रोसेस में जाएगा। ये आप देख सकते हो, ये है मान्यवर, इसकी फली जो है वो एक्स्ट्रा लार्ज एक्स्ट्रा साइज वाली है और काफ़ी अच्छी, एक जैसी अंदर भी बाहर भी। इसको शुरू में जब अपन ने स्टार्टिंग में देखा था तो जब ऊपर से देखते हैं तो फल नहीं दिखता है ऐसे में, लेकिन जैसे ही काट के पटकते हैं तो इसमें क्या है, नीचे फल है, ये नीचे साइड जो फल है, तो ये जब कट के आड़ा पटकता है तब इसमें फल अच्छा खासा दिखाई देता है। और काफ़ी अच्छी वैरायटी लगी है मुझे अयोध्या एग्रीटेक वालों की, ये वैरायटी लंबा चलेगी, मतलब इसमें दम तो है, लेकिन सीड रेट इसका कम रखना पड़ेगा, हाई सीडेड वैरायटी नहीं है ये। आप देख सकते हो जैसे ये नीचे फल झुका हुआ है, नीचे नीचे ज़्यादा है, ऊपर के गुच्छे कम हैं, और नीचे आप देखोगे तो नीचे फल आपको ज़्यादा दिखेगा। इस स्टाइल की इसके पौधे की डिज़ाइन है, और अभी ये कटेगा, इसका एवरेज देखेंगे कि क्या निकलता है, फिर आगे जाके अपन इसका थोड़ा सा मामला समझेंगे। अभी इतनी गर्मी है कि बस बता नहीं सकते, तो हमने कल शाम में ये प्लान किया कि वो जो प्लाउ है 2 बॉटम का, उसको तो हमने सुधरा लिया था क्योंकि उसकी हमने एक रॉड तोड़ दी थी, कहाँ से, यहाँ से। अभी इसमें भी ये बिल्डिंग उखड़ी है और ये पत्तियाँ जो है ये मोटी हो चुकी है, तो ये वाली हम पतली करवाएंगे ताकि प्लाउइंग करते समय हमारे को जो है बहुत आसानी से प्लाउ हो जाए। और ये है हमारा प्लाउ जिसको हम फुल साइज प्लाउ कहते हैं, तो ये लगभग ये मान के चलिए कि ये 2 प्लाउ मतलब सीधा 1.5 प्लाउ है, बड़े साइज का फुल साइज का प्लाउ है। इससे हम जब चलाते हैं तो इसके अगले चक्के हवा में हो जाते हैं, मतलब ये भी उसके सामने फीका पड़ जाता है इस प्लाउ को चलाने में, इस प्लाउ को। तो अभी इसको हम भिजवाएंगे शाम में, मतलब भिजवाएंगे क्या, वो तो मेरे को ही लेके जाना पड़ेगा। और ये हमारे यहाँ क्या होता है कि बहुत सारे सामान हैं तो अलग अलग जगह हमारी ये गायब होती रहती है, तो हमने इनको ये परमानेंट बेल्ड कर दिया ताकि ये इसमें से निकले नहीं, इधर भी साकल उधर भी साकल, परमानेंट, और ऊपर वाली हम चेंज करते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है टोटल इसको सेट कर रहे हैं और अभी लेके जाएंगे। और लास्ट ईयर ये चला, लेकिन ये चलता 4 व्हील से है, 2 व्हील से चलाने की इसको कोई भी कोशिश ना करे, डू नॉट ट्राई एट होम। अगर आप 2 व्हील से चलाओगे तो ये 2 व्हील के हाथ पे रोड़ के रख देगा, प्लाउ बड़ा है, इसको सेटिंग भी थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, अगर 1-2 सूद भी ऊपर नीचे ये यहाँ से होता है ये यानी इस नट से, तो ये ट्रैक्टर को झोल मारने लगता है। 2 व्हील के लिए तो है ही नहीं, 4 व्हील के लिए है। तो ये मेरी आ गई है गाड़ी, अब मामा मेरे को लेके जाएगा खेत में। ए प्रीटी, क्यों चार। अरे यार, तो ये है भैया हमारी फ्रूटी, जिसका काम है गर्मी में बस ठंडा ढूंढना, है ना, क्या फ्रूटी। रात में बहुत खूंखार है, 14 इंजेक्शन लगवा चुकी है, बड़ी दिक्कत की बात है, तेज है ये, रात में तो कोई घुसे तो दिक्कत ही कर देती है। अभी हम ये दूसरे खेत में हैं, एक कटाई यहाँ पे चल रही है, एक कटाई उधर चल रही है, तो 2 हिस्सों में हमारे यहाँ मूंग की कटाई हो रही है। अभी 2 तारीख तक का माहौल क्लियर है, तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हाथ से फेटा लें,
फिर उसके बाद जब ऐसा लगेगा कि हाथ से कटना मुश्किल हो रहा है, बारिश पचा रही है, तो फिर अब हम हार्वेस्टर इसको में डाल देंगे। हाथ से कटाने में फ़ायदा ये रहता है कि थोड़ा सीड की क्वालिटी अच्छी बनती है और पूरा बीज एक जैसे आता है और आप उसको बीज में स्टोर कर सकते हैं। और हार्वेस्टर के से कटाने में क्या होता है कि बीज डैमेज हो जाता है और कुछ लोग पैराकॉट डाल देते हैं तो उससे तो और पौधे लाल पड़ जाते हैं, तो वो पूर्णतः ख़त्म हो जाता है। इस कारण से हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादातर सीड जो है वो हम हाथ से कटा करके ही हमारे घर रखें। वैसे मूंग में जर्मिनेशन का उतना इशू नहीं रहता है, लेकिन जो लाल दाने पड़ जाते हैं वो जर्मिनेट नहीं होते हैं, इस कारण से ये प्रोसेस लगाएंगे। आगे आप मूंग में फल देख सकते हैं, ये स्थिति है अभी। अभी आप शाम का नज़ारा देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और डबल से मूंगों ने फूल छोड़ दिए हैं, लेकिन इनकी हम परवाह नहीं करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा मूंग जो है वो धां धूं स्पीड से कट रहा है। और ये है अयोध्या एग्रीटेक वालों का मान्यवर, और इसकी कड़पी एकदम सटी सटाई लगी हुई है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक। तो ये जो मूंग है अब निकलने पे अपन देखेंगे कि क्या एवरेज मारता है। और अच्छा लगा हुआ था ये मूंग, आने वाले समय में हो सकता है कि किसानों को अच्छा फ़ायदा दे जाए। और इधर भी आप देख सकते हो, मैं प्लॉट के अंदर हूँ, हर जगह पर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर ये खासियत है कि गुच्छे बड़े तगड़े हैं हर जगह, जहाँ देखो वहाँ। कैमरे में चीज़ें उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं आती है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे रह जाता है, पर ये एक्चुअल में परफॉर्म कर रहा है। तो अभी जब निकलेगा तब अपन उसका एवरेज आकलन भी लगा ही लेंगे। तब तक के लिए कटाई चलने देते हैं धां धूं स्पीड में, और वो बहुत फायदेमंद रहेगी। तो अपने को इसको ना अगली बार अपन बोएंगे नहीं 10 किलो, मात्र 11 किलो, 10 किलो कौन सा में? वो में फल ज्यादा तो ये बड़े ले और पागल जैसा बन गया, ये पागल हो गया ही ज्यादा तो खिला दिया है यार तुम, ये मूंग पागल हो गया है। मेरे फल एमा भी है, लेकिन वो दूर दूर हुई गो, वो बढ़ना से वो फल उतो ही फल अपना का कम लग रहे हैं मैं, क्योंकि पौधों का ही बड़ो हुई गो वो बड़ा ही गए थे ना अपन चला आया जूता पे जाएंगे। तो अभी इतनी रात में हम एक प्लान कर रहे हैं कि हमें थोड़ी लेबर की कमी पड़ रही है, तो आज हम ट्रैक्टर भेजेंगे लेबर के लिए। तो ये घर पे था प्लाऊ का प्लान था, प्लाऊ लेके जाने का, तो वो कैंसिल करके अभी तो इसको लेके जाएंगे अब हम खले में। खले में लेके जाके क्या करेंगे, प्लान करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारे बंदे आ जाए तो हमारा मूंग जो है वो जल्दी निकल जाए। मेरा भी मन होता है जेडी को मॉडिफाई करवाने का, पर हमारे वाले में इतने तामझाम पहले से ही लगे हुए हैं कि ये मॉडिफाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये फ्रंट लोडर लगा है, इधर उसका गियर लगा है, बैक में बैक साइड वाला पल्टी प्लव वाला लगा हुआ है, तो क्या है कि उसमें बेचारे में जगह ही नहीं बची लोड करने की। तो अभी मैं जाता हूँ मोबाइल को बंद करके खले में खटाखट, और ट्रैक्टर को जो है ट्रॉली में लगा के लड़के को बताता हूँ कि सुबह लेबर लेने कहाँ जाना है। जब तक के लिए आप मेरी चैनल देखते रहें, मैं जाता हूँ और वो लगा के फिर आपसे बात करता हूँ।